हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डू वर्कशीट 20, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th। और ये वर्कशीट हमें करनी है 24th अगस्त 2021। स्टूडेंट, आज की वर्कशीट जो है वो हमारे चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट उस्ताद बिस्मिल्ला कहाँ पर बेस्ड है। बेस्ड ऑन द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो उस चैप्टर से बिस्मिल्ला खान से इसमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है, वो एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन है उसके आंसर आपको देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम एक्सट्रैक्ट। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो सहनाई की साउंड है उसको हम शुभ समझते हैं, समझा जाता है। एंड फॉर दिस रीजन, इसी कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसी कारण से, इसके शुभ समझे जाने के कारण ही ये टेम्पल्स में बजाई जाती है। वो शादी, नॉर्थ इंडिया में जो शादी होती है उसका ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है सहनाई। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। प्राचीन समय में जो है शाही दरबार में जो नौबत क्या होता है, 9 इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप होता है जो बजाया जाता था, तो वो नौबत का हिस्सा होती थी सहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। आजकल ये शादी में और कहाँ पर टेम्पल्स में बजाई जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान। क्लासिकल स्टेज पर इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्ला खान को। एज ए 5-year-old बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पोंड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमायू इन बिहार। बिस्मिल्ला खान जब 5 साल का था तो गिल्ली डंडा खेलता था एक पोंड के नज़दीक, और वो पोंड कहाँ था? दुमराऊ बिहार के अंदर। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता। और बिहारी जी का वहाँ टेम्पल है, वहाँ पर भोजपुरी में चेता गाता था उस्ताद बिस्मिल्ला खान। एट द एंड ऑफ विच, और जब वो चेता फिनिश हो जाता था वो गाना, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाई द लोकल महाराजा। तो लोकल महाराजा उसको इनाम के तौर पर 1.25 kg का एक लड्डू देता था। दिस हैपन 80 years ago, ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उसी बच्चे ने भारत का जो सबसे ऊँचा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो उसको मिला। तो आइए अब हम करते हैं इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पिक द ओड वन आउट विद रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियस। जो ऑस्पिशियस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? शुभ होता है। तो इनमें नीचे शुभ के सिनोनिम्स दे रखे हैं, जो नहीं है ओड वन आउट है वो आपको बताना है। तो ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें प्रोमिसिंग। तो ऑस्पिशियस जो है प्रोमिसिंग होता है। प्रोमिसिंग क्या होता है? जो हमारी उन्नति होती है, तो ऑस्पिशियस का मीनिंग प्रोमिसिंग होता है। सेकेंड है हमारा लक्की। लक्की भी ऑस्पिशियस ही होता है, शुभ होता है, लक्की होना, लक्की किस्मत वाला होना। थर्ड देखिए ब्राइट। ब्राइट भी क्या होता है? ब्राइट साइड क्या होती है? लक्की को ही शो करता है। और फोर्थ देखिए ओमिनस। ओमिनस तो बिल्कुल अपोजिट हो गया है, बुरी जो हमारी भविष्यवाणी होती है उसको हम ओमिनस बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका ओड वन आउट है। तो देखिए ए हमारा है ऑप्शन 1, जी नहीं। ऑप्शन 2, जी नहीं। ऑप्शन सी, ये तो सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन डी ओमिनस, ये इसका ओड वन आउट है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सहनाई इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। सहनाई जो है नॉर्थ इंडिया में जो शादी होती है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है सहनाई। इच इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है? द ओकेजन इज इनकम्प्लीट विदाउट द म्यूजिक ऑफ सहनाई। ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है कि सहनाई के बगैर वो ओकेजन जो है शादी को इनकम्प्लीट समझा जाता है। मतलब सहनाई बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है शादी के अंदर, तो इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। बी देखिए, बी क्या है? द पिक्चर्स ऑफ सहनाई आर डिस्प्लेड ऑन द वेन्यू, कि वेन्यू के ऊपर सहनाई की पिक्चर डिस्प्ले की जाती है, जी नहीं। सी देखिए, इट इज़ गिफ्टेड एज ए काइंड गेस्चर टू द गेस्ट अटेंडिंग द फंक्शन। फंक्शन को जो अटेंड करते हैं उनको गेस्चर के रूप में, गिफ्ट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, जी नहीं। सी डी देखिए, द स्टोरी ऑफ इट्स ओरिजिन इज संग एंड शेयर्ड बाई पीपल। लोग जो है
इसका ओरिजिन कैसे हुआ शहनाई का, इसके बारे में बताते हैं, गाते हैं शहनाई जी, नहीं ये भी गलत है। तो इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है कि शहनाई के म्यूज़िक के बगैर ओकेजन को इनकम्प्लीट समझा जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चूज द ऑप्शन विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द कंटेस्ट इन विच द वर्ड एनसेम्बल इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो स्टूडेंट एनसेम्बल किसके लिए यूज हुआ है हमारे एक्सट्रैक्ट में, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके ग्रुप को हम एनसेम्बल बोलते हैं। तो हम ऑप्शन में देखते हैं इस सेंस में कहाँ पर यूज हुआ है। ए ऑप्शन है इंक्लूजन ऑफ बेंगल्स इन द एनसेम्बल कॉम्प्लीमेंटेड हर क्लासिकल लुक, जी नहीं बेंगल्स की एनसेम्बल के रूप में नहीं हुआ है ये यूज़। सेकंड देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ तियारा एनसेम्बल डांसर्स वाज म्यूजिकल डांसर के रूप में भी यूज़ नहीं हुआ है कि उनका एनसेम्बल हो, जी नहीं। थर्ड देखिए, द निव कपल वांटेड टू गेट देयर स्टेशनरी एनसेम्बल डन बाय डायमंड इनविटेशन कंपनी, जी नहीं इस रेफरेंस में भी नहीं। डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, द चिल्ड्रंस कोर एंड द इंस्ट्रूमेंटल एनसेम्बल। तो इंस्ट्रूमेंट के एनसेम्बल के रूप में यूज़ हुआ है इस एक्सट्रैक्ट में, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए फोर्थ ऑप्शन किस में, ए ऑप्शन 1 जी नहीं, ऑप्शन 2 जी नहीं, ऑप्शन 3 जी नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप के रूप में एनसेम्बल यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन बिलो आर द क्वालिटी जो पुस्ता बिस्मिल्ला खां रिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट। बिस्मिल्ला खां की कौन सी क्वालिटी इस एक्सट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपको बतानी है। पिक द ऑप्शंस विच लिस्ट देम करेक्टली, और सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। तो फर्स्ट पंचुअल, जी हाँ पंचुअल था बिस्मिल्ला खां क्योंकि टेम्पल में शहनाई बजाने जाता था। सेकेंड है ग्रीडी, जी नहीं लालची नहीं था, मोटिवेटेड बिल्कुल मोटिवेटेड था। फोर्थ हार्ड वर्किंग भी था। फिफ्थ आइडल, जी नहीं आइडल क्या होता है, निकम्मा, जी नहीं आलसी नहीं था वो। तो हमारे फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखते हैं वो कौन सा है, ए गलत है 1 2 3, बी 3, फोर्थ और फिफ्थ ये भी गलत है, सी बिल्कुल सही है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये हमारे करैक्टर की ट्रेड्स उस्ताद बिस्मिल्ला खां की इस एक्सट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट हुई हैं कि वो हार्ड वर्किंग था, पंचुअल था और मोटिवेटिंग था। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यस, चूज द कोट दैट गोज वेल विद द गिवन एक्सट्रैक्ट। कौन सी कोटेशन जो है इस एक्सट्रैक्ट के को डिपिक्ट करती है अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट है हमारी, देर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, जो स्थान देखने योग्य होता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बेवरली सेलीज की है। तो इस एक्सट्रैक्ट से ये पता नहीं लगता है ये कोट इस कोटेशन के बारे में। सेकंड क्या है, वी मस्ट बिकम द चेंज वी वांट टू सी। हमें अपने अंदर भी चेंज करना चाहिए जो हम दूसरों में चाहते हैं, ये महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट कोट है, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट से हमें ये भी नहीं पता लगता। थर्ड देखिए, Always do your best. Yes, हमेशा अपना अच्छा कीजिए। What you plant, no. जो आप बोओगे, you will harvest later. तुम उसे बाद में काटोगे। तो देखो बिस्मिल्ला खान ने हार्ड वर्क किया तो उसने भारत रत्न के लिए, भारत रत्न उनको अवार्ड मिला और वो फेमस शहनाई वादक मिले। तो थर्ड बिल्कुल सही कोटेशन है इस एक्सट्रैक्ट को डिपिक्ट करने के लिए। तो ये देखिए हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 जी नहीं, बी ऑप्शन 2 जी नहीं, सी बिल्कुल सही है ऑप्शन 3। तो थर्ड वाली कोटेशन को ही एक्सट्रैक्ट डिपिक्ट करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।